अभी उत्तराखंड वाले माननीय मुख्यमंत्री जी कहकर गए, बाकी आप सब अब कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आज तो उत्सव में डूबने की जरूरत है। सब लोग दोनों हाथ उठाकर बोलो हरे 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 हरे। हमें बड़ा आनंद आया, पूज्य महाराज श्री जी की बहुत कृपा हम सब पर बरसती है। एक छोटी सी चर्चा करके हम पानी को विराम देंगे, पर बहुत ही जल्दी हम आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में महाराज जी की कृपा से 3 दिन के लिए, 19, 20 और 21 3 दिन के लिए हरियाणा आ रहे हैं। दरबार भी लगाएंगे, कथा भी सुनाएंगे, धर्म विरोधियों की छतरी भी बारेंगे। और भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय सीताराम, प्राण थाले भैया। पूज्य महाराज श्री जी के जन्मोत्सव पर जितने भी श्री कृष्ण कृपा धाम के परिवारजन, श्री कृष्ण कृपा धाम से जुड़े हुए आत्मीय जन हैं, और वर्तमान समय में समूचे हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों से आए हुए जितने भी परिकर हैं, हम आपको एक बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। अस्पताल में दोनों जाते हैं, मरीज भी जाता है डॉक्टर भी जाता है, पर दोनों के जाने का भेद अलग है। मरीज ठीक होने जाता है, डॉक्टर ठीक करने जाता है। उसी प्रकार संसार में दोनों आते हैं, सदगुरु भी आते हैं और शिष्य भी आते हैं। शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आते हैं, शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आते हैं। सद्गुरु का जन्म विश्व कल्याण करने के लिए होता है। ये हम सबका सौभाग्य है। देखने हाँ भैया पीछे फोटो अच्छी आ रहा था, बताइए ठटली के बारे में मुंह पे फोटो खींचे। तो हम आप सबका सौभाग्य है, और हम विनम्रता पूर्वक कहें जितने भी श्री कृष्ण कृपा धाम के जुड़े हुए आत्मीय जन हैं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कही हुई जो 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता है, एक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कहा गया एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसे भगवान ने अपने मुख से कहा। वैसे तो सब भगवान की ही वाणी है, लेकिन भैया बुरा ना मानना, किसी को खुजली हो जाए दवाई लगा लेना। अन्य मजहबों के जितने भगवान हैं, किसी ने कहा मैं भगवान का बेटा हूँ, किसी ने कहा मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ, लेकिन केवल हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की धरती में कुरुक्षेत्र के उस रण में समर में खड़े होकर के कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ललकार कर कहा, किसी ने तो बेटा कहा, किसी ने डांटिया कहा पोस्टमैन अपने आप को, लेकिन हमारे सरकार कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। भैया उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के द्वारा कही गई भगवत श्रीमद् भगवत गीता का बहुत सरल शब्दों में आपने अनुवाद करके परम पूज्य श्री गीता मुनिजी जी महाराज जी ने जो हम सबको प्रसाद दिया और सबको संकेत दिया, आप मात्र एक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता को अपने घर पर रखो, घर घर गीता, हर घर गीता अगर पहुंचेगी तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। बोलो जय सियाराम। इसीलिए आज के पूज्य महाराज श्री जी के उत्सव में जो भी प्रियजन विराजमान हैं, सबको प्रण लेना है कि पूज्य महाराज जी के संकल्प को आगे बढ़ाना है। हमें आपको स्वयं को भी एक एक भगवत गीता रखनी है और पढ़नी है, केवल रखनी नहीं है। कुछ लोग लाल रंग के कपड़ा में रख लेते हैं, फिर 2-3 साल में केवल कपड़ा भर बदलता है, फिर बाद में कहते गुरु जी 3 साल से गीता रखे कुछ हो नहीं रहा, ठटनी के बारे। एक आदमी हमें मिला हरियाणा का, पंचकुला का, अब मुख्यमंत्री जी हो सकता वो तुम्हारा आदमी हो, हमें मिला
मैंने कहा और बताओ सुधर गए? बोले गुरुजी आपकी कृपा से 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे, 35 साल। हमने कहा सुधरे नहीं 35 साल में? अरे बोले गीता का उपदेश सुना बिना हम रह नहीं पाते। हमने कहा सुधरे क्यों नहीं? अरे बोले गुरुजी आप भगवत गीता समझ रहे? हमने कहा अरे बोले नहीं, हमारी लुगाई का नाम गीता है। हमने कहा फिर तो कल्याण मुश्किल है, इसलिए हम हाथ जोड़कर कहें श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक को ग्रंथों को केवल रखना नहीं है, पढ़ना है, अपने मित्रों को भी देना है और परम पूज्य श्री गीता मुनिजी जी महाराज के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना। धन्य है ऐसे संत, संत बड़े परमार्थी भेष भरे अवधूत। इन महात्माओं का जीवन भैया अपने लिए नहीं है, ये महात्मा दिन रात तपोबल के आधार पर तप करके, ध्यान करके, भजन करके, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करके पूरे विश्व की मंगल कामना करते हैं। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी को आप सब साधुवाद दो। ऐसे ऐसे महापुरुष परम पूज्य श्री परमात्मा निकेतन वाले पूज्य महाराज जी, आह क्या अद्भुत संकल्प है। जहां भी जाते हैं एक वृक्ष ले जाते हैं, आप भी लगाओ, आप भी लगाओ, और हर घर गंगा का अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है आज पूज्य महाराज जी के प्रकटोत्सव पर, भैया हम सबका सौभाग्य है ऐसे समय पर हम लोगों का जन्म हुआ जब ऐसे महाराज जी का उत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। अब ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे क्योंकि कथा वक्ता को सुगर जैसा रोग होता है, सुगर वाले को रसगुल्ला मिल जाए तो पूरा डब्बा साफ कर देता है, ऐसे ही कथा वक्ता हमारे जैसे नालायक की आदत है, माइक मिल जाए तो माइक चाहे बंद हो जाए खुद बंद नहीं होते हैं। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए हमें आगे जाना भी है। अब कुरुक्षेत्र में हम मिलेंगे, पूज्य महाराज जी भी एक दिन आ रहे हैं। बोलो जय सिया राम। माननीय मुख्यमंत्री जी तो वहां है ही है, तो बिना विलंब किए हुए हम विदा ले रहे। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो।